यार देखो, अगर आप लोग HTML, CSS, JavaScript या किसी भी दूसरे फ्रेमवर्क में काम करते हो तो बहुत हाई चांसेस हैं कि जब आप इमेजेस को यूज़ करते हो तो आप लोग को ये दिक्कत आती है कि यार इमेज का साइज़ है 20 MB और आपकी साइट में जो है इमेज ही लोड हो जा रहा है जब कोई यूज़र आपकी साइट को खोलता है, तो जो कि आपकी साइट को काफ़ी स्लो बनाता है और आपकी गूगल सर्च रैंकिंग्स को ख़राब करता है। Next.js के अंदर ये चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि Next.js प्रोवाइड करता है एक इमेज कंपोनेंट। अभी इमेज कंपोनेंट क्या करता है? ये इमेज कंपोनेंट ऑटोमेटिकली आपकी इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर देता है। ये इमेज बाय डिफॉल्ट लेजी लोडेड होता है, यानी कि वो इमेज जो कि अभी व्यू पोर्ट में नहीं है, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी मौजूद नहीं है और नीचे है, शायद आप उसको बाद में स्क्रॉल करोगे, उस तरह के इमेज से पेज स्पीड को पेनलाइज नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर पूरा जो टोटल पेज है, मान लो वो लोड होने वाला है 2 सेकंड में, वो शायद आपका 300 मिलीसेकंड में लोड हो जाए, क्योंकि सिर्फ उतने ही इमेजेस लोड हुए हैं जो कि व्यू पोर्ट में, यानी कि जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस पे है। तो इस तरह के टूल्स Next.js को बहुत मजबूत बनाते हैं। देखते हैं कि किस तरह से इस इमेज कंपोनेंट के साथ काम करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज हम लोग खरीदने वाले हैं इस डोमेन को, और डोमेन को हम लोग क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि हमें अपने कोडर हंटिंग कोडर ब्लॉग को परफेक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हंटिंग कोडर सर्च डोमेन करूंगा, मैं गोडेडी यूज कर रहा हूँ। आप लोग किसी भी प्रोवाइडर के साथ जा सकते हो, जहाँ सस्ता मिले यार वहाँ से खरीदो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है आप गोडेडी से ही खरीदो, बट मैं गोडेडी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं गोडेडी से खरीद रहा हूँ, और भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। तो huntingcoder.com मुझे ठीक लग रहा है, मैं huntingcoder.com खरीदूंगा। ऐड टू कार्ट मैंने किया और कंटिन्यू टू कार्ट करूंगा। कंटिन्यू टू कार्ट करने के बाद वेट कर रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए भाई, जितना सस्ता पड़े उतना बढ़िया, नहीं चाहिए प्रोफेशनल ईमेल, नो थैंक्स। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और आगे बढ़ने के बाद हंटिंग कोडर, मैंने शायद पहले ये हंटिंग प्रोग्रामर डाल रखा था कार्ट में, huntingcoder.com, नहीं भाई 5 साल के लिए नहीं, देखेंगे सही चलेगा तो बढ़ा लेंगे, नहीं चलेगा तो क्यों बढ़ाएंगे, ठीक है। 1 साल का कितने का पड़ रहा है? 1 साल का पड़ रहा है, जल्दी बताओ भाई, 849। 2 साल का पड़ रहा है, 2 साल का शायद सस्ता पड़ता है यहाँ पर GoDaddy पे, जहाँ तक मेरा आइडिया है 1298, तो 2 साल का खरीदेंगे, ठीक है। प्रोमो कोड वगैरह है नहीं, आई एम रेडी टू पे, मैं तैयार हूँ पैसे देने के लिए, ठीक है, 1298। तो यहाँ पर आई एम रेडी टू पे पर क्लिक करूँगा और इस पेमेंट को मैं ख़त्म करके आता हूँ। तो फाइनली मैंने इस ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया है, मैं पैसे पे करके आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा जो ब्लॉग है अब हमारा हो चुका है। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर हंटिंग कोडर में, राइट क्लिक करके मैं ओपन विथ कोड करूँगा और ये वाला फोल्डर मेरा खुल जाएगा, और यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताऊँगा नेक्स्ट के इमेज कंपोनेंट के बारे में। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पर हमारी जो स्टार्टर टेम्पलेट थी जिसके अंदर नेक्स्ट इमेज का एक इम्पोर्ट था वो देखा हो, तो आप लोग को मालूम होगा कि एक इमेज कंपोनेंट भी Next.js में कुछ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये इमेज कंपोनेंट क्या करता है। इमेज कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें, मैं यहाँ पर नेक्स्ट इमेज खोलता हूँ और Next.js का इमेज कंपोनेंट की डॉक्यूमेंटेशन सामने खोलता हूँ। ये बेसिकली आप लोगों को कुछ ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस ये बेसिकली आप लोगों को प्रदान करता है ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस, ठीक है। यानी कि आप लोग कभी भी कोई भी इमेज अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिहाइंड द सीन्स Next.js उसको ऑप्टिमाइज कर देगा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, यानी अपने कुछ लॉजिक का कुछ कोड रन होगा जो कि आपकी इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर देगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेजेस होते हैं वो लेजी लोडेड होते हैं। लेजी लोडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके इमेजेस व्यू पोर्ट में नहीं हैं तो वो लोड नहीं किए जाएंगे, और जैसे ही वो व्यू पोर्ट में आएंगे वैसे ही उनको लोड कर दिया जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ सबको समझ में आती है, ठीक है। अब यहाँ पर पेज स्पीड जो है वो पेनलाइज नहीं की जाएगी आपकी, क्योंकि आपके इमेजेस लेजी लोड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को लेजी लोडिंग का। मैं किसी वेबसाइट में जाता हूँ, मैं यहाँ पर टेलविंड का कोर्स खोलता हूँ। अब जो टेलविंड का 7th वाला वीडियो है वो मेरी व्यू पोर्ट में अभी है, उसका थंबनेल मेरे व्यू पोर्ट में है, बट टेलविंड का 11वां वीडियो अभी मेरी स्क्रीन पर नहीं है। मैं जैसे ही स्क्रॉल करूँगा वो मेरी स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। तो होता क्या है कि आपका ब्राउज़र क्या करता है, जब आप लोग लेज़ी लोडिंग करते हैं इमेजेस की, तो इमेजेस तब लोड होते हैं जब आप उनको व्यू पोर्ट में लाते हैं। यानी कि अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं अभी और मैं यहाँ पर 15 वीडियो की बात करूं, तो पहले 15 वीडियो मेरे व्यू पोर्ट में नहीं था, अब वो मेरे व्यू पोर्ट में आ चुका है, और जैसे वो मेरे व्यू पोर्ट पर आएगा वो लोड होगा, उससे पहले वो लोड नहीं होगा। तो इसे कहते हैं लेज़ी लोडिंग। उसी के साथ साथ रिस्पॉन्सिव भी बनाने का जो तामझाम है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है आप लोगों को Next.js। तो Next.js के कन्फिग्रेशन ऑप्शन
ऑप्शंस बहुत सारी कई चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, बट मैं आप लोगों को यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीज़ दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। मैं अगर यहाँ पर ऊपर करूँ तो आप लोग देखो बड़े आराम से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। लोडर एक ऑप्शन होता है इसके अंदर, साइजेस होता है, आप लोग यहाँ पर देखो SRC इक्वल टू जो भी आपकी इमेज सोर्स है वो होती है, ऑल्ट मतलब कि अगर इमेज फॉर एनी रीजन लोड नहीं कर पाई तो ये टेक्स्ट दिखाया जाएगा, विड्थ और हाइट तो आपको मालूम ही है क्या होता है। तो एक तरह से मैं कहूँगा ये IMG जो हमारा होता है ना HTML के अंदर उसकी तरह ही होता है, बट उसका एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। अब आ जाते हैं हंटिंग कोडर ब्लॉग में और अपने डेव सर्वर को स्टार्ट करते हैं, यान डेव। और यान डेव में जैसे ही करूँगा ये मैं ज़रा यहाँ से ये स्क्रिप्ट हटाता हूँ, मैंने स्क्रिप्ट ये ऐड कर रखी है यहाँ पर, जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा था, स्क्रिप्ट को मैं यहाँ से हटाना चाहूँगा और रिलोड करूँगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा आप लोग यहाँ पर देखो हंटिंग कोडर ब्लॉग फॉर हंटिंग कोडर्स बाय हंटिंग कोडर। मैं काम करूँगा यार, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इस कार्ड को रीयूज़ करूँगा, मैं इस कार्ड को रीयूज़ नहीं करना चाहता यार। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर dev.blogs करके एक बाय द वे अगर एमिट आपकी नहीं चल रही है तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोग को चलाना है एमिट, ठीक है। और एक्सक्लूडेड लैंग्वेजेस, इंक्लूडेड लैंग्वेजेस, ऐड आइटम और जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, ऐसे करके कुछ ऐड करना पड़ता है। एमिट इन नेक्स्ट जेएस, देखो यार कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, ठीक है। आप लोगों को करना क्या होगा कि थोड़ी बहुत गूगल सर्च करना होगा, यहाँ पर देखो बता रखा है कि किस तरह से करना है आपको, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, हाँ ठीक है। तो हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट लिखना है यहाँ पर। मैं देखता हूँ उस चीज़ को ट्राई करके, आइटम और वैल्यू, आइटम जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ओके जावास्क्रिप्ट। बाय द वे एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ था, मैंने देखा नहीं था, मैं ओके करूँगा इसको। मैंने क्या किया, जो इंक्लूडेड लैंग्वेजेस है उसमें जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट रिएक्ट लिखा। अभी मैं यहाँ पर सेव करूँगा इसको और यहाँ पर ब्लॉग्स लिखूँ तो एमिट नहीं चला पा रहा हूँ अभी तक, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट है ये, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ठीक है। तो मैं ये चूज़ करूँगा यहाँ पर, अभी मेरी एमिट चलेगी और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, चलेगी एंड आई एम श्योर चलेगी और चल भी रही है, ठीक है। तो क्लास नेम इज इक्वल टू ब्लॉग्स मैंने यहाँ पर कर दिया, तो ये जावास्क्रिप्ट रिएक्ट मुझे करनी पड़ी लैंग्वेज अपनी। और यहाँ पर अगर मैं एक नया कंपोनेंट बनाऊँ तो क्या जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट है, जावास्क्रिप्ट है, बट जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में उसे कर दूंगा तो मेरी एमिट चलने लग जाएगी, ठीक है। तो डिव क्लास नेम इज इक्वल टू ब्लॉग्स और ब्लॉग्स के अंदर मैं करूँगा dev.blog, यानी कि एक ब्लॉग या फिर ब्लॉग आइटम, मैं यहाँ पर ब्लॉग आइटम रखूँगा इसका नाम और बाद में CSS में ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसके अंदर रहेगा एक H1 और H1 के अंदर लेट अस से हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट इन 2022, मान लो मेरा एक ब्लॉग पोस्ट है जिसमें मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। फिर एक पैराग्राफ होगा जो कि शॉर्टली बताएगा इस पर्टिकुलर ब्लॉग में क्या है ये मुझे बताएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा जावास्क्रिप्ट इज द लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज यूज टू डिज़ाइन लॉजिक फॉर द वेब, ठीक है। और मैं सिर्फ इतना ही भी लिखता हूँ और देखता हूँ यार कैसा चल रहा है हंटिंग कोडर। तो ये देखो आप ब्लॉग फॉर हंटिंग कोडर्स बाय हंटिंग कोडर, ये सारे के सारे मेरे ब्लॉग्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाता हूँ कि मैं इसी चीज़ को, यानी कि जो डेव क्लास नेम इज इक्वल टू ब्लॉग आइटम है, इसको मैं एक लूप के अंदर चलाऊंगा और कुछ इस तरह से मेरे सारे अलग अलग ब्लॉग्स दिखेंगे। यहाँ पर डेफिनेटली एक स्क्रॉलर भी आएगा, पावर्ड बाय वर्सर मैं हटा दूंगा और हंटिंग कोडर और ये, और यहाँ पर मैं एक मतलब अपना नेविगेशन बार भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नेविगेशन बार भी बड़े आराम से डाल सकता हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं और उसका रीज़न ये है कि जो नैव कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पर डालूंगा और इसके अंदर मैं एक UL डालूंगा, फिर एक लिस्ट आइटम डालूंगा और लिस्ट आइटम के अंदर मैं लेटर से डालता हूँ होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ब्लॉग यहाँ पर मैं ब्लॉग भी डाल दूंगा, ठीक है। वैसे ब्लॉग होम एक ही चीज़ है क्योंकि मैं यहाँ पर भी ब्लॉग्स दिखा रहा हूँ, वहाँ पर भी ब्लॉग्स दिखाऊंगा। फिर इसको मैं CSS से स्टाइल कर लूँगा। इसको CSS से स्टाइल करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा CSS कैसे काम करेगी, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर home.module.css इम्पोर्ट होता हुआ दिख रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर डायरेक्टली चेंजेस करूँ और अपने लक को ट्राई करूँ। मतलब एज्यूम करो कि यार मुझे आता ही नहीं है कि ये सब लैंग्वेजेस में कैसे काम कर रहा है, मैं कैसे करूँगा। देखो यार मुझे कम से कम इतना तो मालूम है कि यहाँ पर CSS इंपोर्ट हो रही है, मैं इतना तो दिमाग लगा सकता हूँ कि यार जो क्लासेस यहाँ पर यूज़ हो रही हैं उनको यहाँ पर ऑल्टर किया जाए। तो ऐसा करने से क्या मुझे वो चीज़ अचीव हो पाएगी जो मैं करना चाह रहा हूँ, ये देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा नैव है मैं एक काम करूँगा, मैं इसको क्लास इज इक्वल टू मेन नैव कर देता हूँ और मैं कहूँगा कि यार जो मेन नैव है डॉट मेन नैव, क्या करो ना मेन नेव के अंदर
जो यूएल है मेन नेव के अंदर जो यूएल है उसको एक फ्लेक्स बॉक्स बना दो, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। और मुझे पता है यार मैं यहाँ पर सीएसएस यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कहोगे यार ये इतनी सीएसएस क्यों लिख रहे हो यार, नहीं हुई डिस्प्ले फ्लेक्स, क्या रीज़न हो सकता है इस चीज़ का, मेन नेव, मैंने अपना सर्वर रीस्टार्ट नहीं किया है, क्या मुझे सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा ये करने के लिए, लेट मी सी, नहीं। तो मेरा मेन नेव जो है, मेरी मेन नेव क्लास क्या यहाँ पर ऐड हुई है, हाँ हुई है, मेन नेव के अंदर का जो यूएल है उसके अंदर ये सी एस एस ऐड हुई है, नहीं हुई है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत है। अब देखो मैंने क्या दिक्कत करी यहाँ पर, क्लास ने मुझे कुछ इस तरह से देना है स्टाइल्स डॉट मेन नेव, ना कि मेन नेव डायरेक्टली मैं क्लास का नाम ऐड कर सकता हूँ, और इसका रीज़न मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा, ठीक है। अभी देखते हैं क्या चल रहा है। हाँ चल रहा है यार, देखो स्टाइल ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं सब कुछ को सेंटर पर ला सकता हूँ, ठीक है। सेंटर पर मैं कैसे लाऊँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। और ये टेक्निक आपको भी यूज़ करनी चाहिए, मैं ज़रा जूम आउट करता हूँ, इतना करता हूँ कि यार दिख जाए, ठीक है। देखो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा यहाँ पर नैव क्लास इज इक्वल टू ये है, यानी कि जो नैव को मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पर मार्जिन रखूँ, और मार्जिन लेटर से मैं रखता हूँ यहाँ पर 23 पिक्सल्स, तो ये दूरियाँ पकड़ लेंगे। ओके तो मैं नैव में नहीं डालना चाहता मार्जिन यार, मैं आइटम पे मार्जिन डालना चाहता हूँ, यानी एक पर्टिकुलर आइटम पे, ठीक है। तो ऊपर नीचे से 0 और 23 पिक्सल्स, मैं सारे के सारे एलिमेंट्स पर डालूँगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। फिर इसके बाद मैं कहूँगा लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कहूँगा, इसके बाद मैं कहूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन, या फिर नहीं टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, मैं इसको कलर नहीं देना चाहता। और मैं क्या कर सकता हूँ, वो फॉन्ट वेट को मैं बोल्ड कर सकता हूँ, फॉन्ट वेट को बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। और इस पूरे तामझाम को सेंटर पे ला सकता हूँ, और वो काम मैं कैसे करूँगा वो भी मैं बताऊँगा आपको कैसे करूँगा, पहले ये काम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जो एल आई है ना, तो जो एल आई है डॉट मेन नेव का एल आई, ठीक है, डॉट मेन नेव के यू एल के अंदर का एल आई जो है उसमें मैंने क्या किया है, इसको कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, आप लोग देखो ये मेरे स्टाइल हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे को सेंटर पे लाना है, यानी कि जो यू एल है जो कि एक फ्लेक्स बॉक्स है, मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, सिंपल सा काम करूँगा। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कितना मस्त दिख रहा है अभी ये। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक मार्जिन टॉप दूंगा, मार्जिन टॉप दूंगा लेट अस से 34 पिक्सल, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, आई डोंट नो, देखते हैं 50 पिक्सल कैसे रहते हैं। कॉपी किया इसको मैंने, जस्टिफाई सेंटर मार्जिन टॉप, ये जस्टिफाई मार्जिन टॉप मैंने कहाँ दिया था, मेन नैव के नैव में दिया था ना यार, मैं भूल कैसे सकता हूँ, मैं भूल नहीं सकता यार। नहीं, मैंने मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पर, मेन नैव के नैव में हाँ मैंने दिया है। बट मैं क्या करूँगा कि जो मेन नैव का नैव है मेरा, जो मेन नैव का नैव है उसके अंदर मैंने स्टाइल्स डॉट मेन नैव दिया है, ठीक है। तो मैं मेन नैव के नैव में, तो यार मुझे सारे स्टाइल्स यू एल पर देने हैं, ठीक है, मुझे सारे स्टाइल्स कहाँ देने हैं, यू एल पर देने हैं। तो मैं ये चीज़ कुछ इस तरह से नहीं यार, मैं कुछ ऐसे करूँगा, ठीक है। तो यार अपन को कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है, सेव करना है, और यहाँ पर देखो काम 35 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो हंटिंग कोडर के ऊपर इतनी सारी मार्जिन आ रही है, शायद इसको कहीं ना कहीं मैं कम करना चाहूँगा, और मार्जिन आ रही है, पैडिंग आ रही है, पैडिंग आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 रैम कर दूँ तो मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर रहेगा, तो 4 रैम जो मार्जिन है उसको 2 रैम कर दूँ तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं 2 रैम कर देता हूँ 4 रैम को, ठीक है, कंट्रोल एफ 4 रैम, बस एक से ज़्यादा जगह ना हो, एक से ज़्यादा जगह है, मुझे पता था ये होने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 2 रैम कर देंगे, ठीक है, पैडिंग को, या पैडिंग ही ख़त्म कर देता हूँ, हटा लो यार, और बताओ ठीक है चलेगा, ठीक है अभी के लिए चलेगा यार, ठीक है। मैं नहीं कर रहा था स्टाइलिंग, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि पहले आपका ब्लॉक चले उसके बाद स्टाइल हो, क्योंकि अगर आपका ब्लॉग चलता है, आपका ब्लॉग काम करता है, आपके ब्लॉग पे विजिटर्स आते हैं, उनको कुछ वैल्यू मिलती है, तभी कुछ हो पाएगा आपका, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने H1 हेडिंग का इस्तेमाल किया, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, उसका रीज़न मैं आप लोग को बताता हूँ क्यों। देखो यार जब भी आप HTML में टैग्स डालते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि मेन हेडिंग कौन सी वाली है। अब यहाँ पर देखो हंटिंग कोडर इस ब्लॉग का जो होम पेज है, तो ये मेन हेडिंग होने वाली है, ठीक है। तो इसको मैं H1 नहीं बना सकता, मैं इसको बनाऊंगा H3, और आप लोग देखना क्यों बनाऊंगा H3, ठीक है, क्योंकि मैं H2 किसी और चीज़ को बनाने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको H3 बना देता हूँ, आप लोग कहोगे यार H2 बनाओ ना, H3 क्यों बना रहे हो, नहीं H2 नहीं, H2 मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, आप देखो कहाँ पर बनाने वाला हूँ, मैं एक H2 यहाँ पर बनाऊँगा और लिखूँगा पॉपुलर ब्लॉग्स, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो मैंने पॉपुलर ब्लॉग्स ऐसे बनाया, और यहाँ पर ये देख रहे हो आप लोग, ये सारा का सारा कंटेंट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बस ये इंश्योर करना चाहता हूँ 100% पर है कि नहीं। अब यहाँ पर इनको मैं नेविगेशन लिंक्स बना दूंगा, और कहीं ना कहीं मुझे ये स्पेस ख़त्म करनी है। मुझे स्पेस बिल्कुल सही नहीं लग रही है, ये जो स्पेस हमारी इसके और इसके बीच में आ रही है, तो इसको मैं ठीक करता हूँ अभी। मेन और नैव के बीच में जो स्पेस आ रही है उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो जो मेन है उसके ऊपर क्या हमारी कोई मार्जिन या पैडिंग है, ये चीज़ मुझे देखनी है, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो अगर मैं अलाइन आइटम्स को फ्लैक्स, नहीं अलाइन आइटम्स नहीं सॉरी, जस्टिफाई आइटम्स को, जस्टिफाई कंटेंट को फ्लैक्स स्टार्ट करता हूँ तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर इसको मुझे थोड़ा सा नीचे भी गिराना होगा। तो मैं क्या करूँगा, जो पैडिंग टॉप है उसको दे दूँगा 2 RAM, ठीक है, 3 RAM में भी, ठीक है, और देखता हूँ ये चीज़ मैं देखता हूँ। तो मैं ये चीज़ कहाँ पर चेंज करने वाला हूँ, ये मैं होम मेन डिस्प्ले फ्लैक्स कहाँ पर है। देखो यार मैं ज़्यादा ना स्टाइलिंग में घुसना नहीं चाहता इसके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं बस ये चाहता हूँ कि यार मेरा काम हो जाए, बस मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। मैं अगर इसको यहाँ पर ऐड करूँ तो क्या मेरा काम हो रहा है, रिलोड करके देखता हूँ। हाँ यार मेरा काम हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही चाहता हूँ कि ऐसा ही दिखे, ठीक है। ज़्यादा मैं अभी फैंसी उसमें जाने वाला नहीं हूँ, अभी के लिए मुझे लगता है कि ये ब्लॉग बिल्कुल ठीक है। अभी हमें इसको फंक्शनल बनाना है, ज़्यादा स्टाइलिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। मुझे पता अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आई नो दैट, बट अभी के लिए हमें इसको बस ऐसा बनाना है कि ये चले, ठीक है, और ये चल रहा है एंड इट्स अ गुड न्यूज़, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि किस तरह से इस ब्लॉग का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, किस तरह से इसका ब्लॉग पोस्ट और उसी के साथ साथ कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज, होम पेज के लिंक्स कैसे बनाए जाएंगे, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस कोर्स के अंदर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।